नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और WPF के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग व्रैप पैनल के बारे में पढ़ेंगे। व्रैप पैनल जो है, थोड़ी सी विंडो की हम लोग हाइट और विड्थ जो है वो कम कर लेते हैं। तो हाइट हम लोग जो रखते हैं वो 300 रख लेते हैं यहाँ पर, और जो विड्थ है वो हम लोग 300 रख लेते हैं, इक्वल साइज़ की दोनों रख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग व्रैप पैनल पढ़ते हैं। व्रैप पैनल भी एक प्रकार का कंटेनर है, जैसे ग्रिड जो है वो एक प्रकार का कंटेनर है, वैसे ही व्रैप पैनल भी एक प्रकार का क्या है, कंटेनर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। व्रैप पैनल में जो कंटेंट है वो कैसे विजुअलाइज होते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो बाय डिफॉल्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टली मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर बटन कंट्रोल जो है वो प्लेस करने वाले हैं, बटन कंट्रोल, और बटन कंट्रोल को हम लोग लिख देते हैं बटन वन। ठीक है, तो इसकी मैं मल्टीपल कॉपी कर लेता हूँ और आप लोगों को एक डिफरेंस भी आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बटन वन, बटन टू, बटन थ्री, बटन फोर एंड बटन फाइव एंड बटन सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने छह बटन जो है वो कंट्रोल इसमें लिए हैं। एक बार के लिए मैं इनको रन कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर आप लोग इसका विजुअलाइज देखेंगे तो इक्वल जो हाइट एंड विड्थ है बटन्स की वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं थर्ड या फोर्थ बटन के बाद में, फोर्थ बटन के ऊपर मैं इसकी जो हाइट है, जब हॉरिजॉन्टली होता है आप लोगों का ओरिएंटेशन व्रैप पैनल के अंदर, तो आप लोग उसकी हाइट जो है वो देखते हैं। हाइट अगर मैं यहाँ पर इसकी 40 कर लेता हूँ, तो आप लोगों को ये बाकी जितनी भी हाइट हैं, यदि देखिए बाकी जितनी भी कंट्रोल्स हैं उनकी हाइट जो है ये 40 के इक्वल हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करता हूँ तो बाकी जो बटन की जो हाइट है वो ही मेंशन हो जाती है। तो एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैंने बटन 6 लिया, यहाँ पर मैं और बटन ऐड कर लेता हूँ जो बटन की यह हाइट है। ठीक है, 6 के बाद में मैं यहाँ पर 7 कर लेता हूँ, यहाँ पर 8 कर लेता हूँ, यहाँ पर 9 कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 10 कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 8th जो बटन है उसकी जो हाइट है उसकी मैं हाइट चेंज करता हूँ, तो बाकी अदर जितने भी हैं उनकी हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए, दूसरी लाइन वाले की हुई है, पहले वाली लाइन जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो इस बात पर आप लोगों को फोकस करना होगा कि व्रैप पैनल में जो सेकेंड लाइन है, अगर उस पर आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो उसी के इक्वल जो है वो सारी की सारी चेंज हो जाती है, लेकिन पहली वाली लाइन में कोई भी फर्क नहीं आप लोगों को महसूस होता है। और साथ ही आप लोग देखिए कि व्रैप पैनल की एक फीचर है कि जैसे ही लाइन एंड होती है, अगर उसमें कंटेंट फिट नहीं आता है तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये तो था हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने बटन्स को प्लेस किया। अगर हम लोग यही चीज जो है वर्टिकली सेट करें तो वर्टिकली कैसे सेट होगी, तो यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन जो प्रॉपर्टी है उसको लिख देते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो कंट्रोल्स हैं वो 11118 आ रहे हैं। 8 में यहाँ पर देखिए हाइट जो है, हाइट कोई भी मैटर नहीं करती वर्टिकल में, जो हॉरिजॉन्टल होता है उस पर हाइट मैटर करती है। ठीक है, और जो आप लोगों का वर्टिकल होगा उसमें आप लोगों की विड्थ मैटर करेगी। तो यहाँ पर हम लोग विड्थ ऐड करते हैं, तो देखिए सभी की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट जो है इक्वल हो जाएगी सभी के। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों ने बटन जो है, उप्स क्या कर दिया, वन फोर्टी कर देते हैं। तो ये देखिए आप लोगों ने 140 इसकी हाइट करने के बाद में सभी की जो विड्थ जो है वो सभी की 140 हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कंटेंट के बाद में करते हैं, जैसे कि मैं अगर इसकी हाइट जो है पैनल की 200 कर लेता हूं, तो आप लोग देखिए जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो आप लोगों का कहाँ पर विजिबल होगा। तो 10 तो आ चुके हैं, 11वां जो कंट्रोल है इसकी जो मैं विड्थ है वो कुछ भी नहीं रखता हूँ, तो ये छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो वर्टिकली ओरिएंटेशन सेट होता है उसमें आप लोगों की जो विड्थ प्रॉपर्टी है वो सेट करती है, और जो हॉरिजॉन्टली होती है उसमें आप लोगों की ये सेट करती है। तो अब नेक्स्ट लाइन में आ गया, अब हम लोग एक और बटन बना लेते हैं, यहाँ पर कॉपी करता हूँ मैं और उसके बाद में इसको पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट में 12, और उसके बाद में तो जो 11वां बटन है उसकी जो हम लोग विड्थ प्रॉपर्टी है वो सेट करते हैं 140। यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर ली इसकी 140। ठीक है, तो मैंने इसको सेव करने के बाद में देखिए बाकी जितने भी हैं जो इस लाइन इस कॉलम में सेट होते हैं, बाकी सभी की जो विड्थ है वो सेम हो गई है। तो इस बात पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट में है विड्थ और हाइट भी हम लोग अलग अलग कर दें, तो बाय डिफॉल्ट जो बटन्स हैं उनकी जो विड्थ और हाइट है वो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। तो ये था व्रैप पैनल। ठीक है,
अब इसके बाद में हम लोग जो है रेडियो बटन के बारे में बात करेंगे। तो एक और नया विंडो जो है मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, न्यू विंडो WPF, और उसका हम लोग नाम भी यही लिख लेते हैं, रेडियो बटन एग्जांपल, रेडियो बटन एग्जांपल। और रेडियो बटन की जो खासियत है वो क्या है कि हम लोग यूज़र जो है वो सेलेक्ट कर सकता है एक ग्रुप में से सिर्फ एक कोई, ठीक है। तो रेडियो बटन एग्जांपल इसका जस्ट कॉपी करते हैं और ऐप डॉट XAML फाइल को हम लोग फर्स्ट फाइल बना लेते हैं। तो रैप पैनल आप लोगों को समझ में आ गया, सिमिलर रेडियो बटन एग्जांपल जो है वो भी आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग जो है ग्रिड कंट्रोल यूज में ले रहे हैं, तो ग्रिड की जगह जो है स्टैक पैनल सबसे अच्छा होता है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। स्टैक पैनल वैसे तो ग्रिड में भी हम लोग ले सकते थे, स्टैक पैनल ले लेंगे। स्टैक पैनल में हम लोग जो है मार्जिन डाल देते हैं, सभी का मार्जिन जो है वो सिमिलर रख देते हैं 10। एंड नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर रखते हैं लेबल, और लेबल में हम लोग फॉर वेट जो है फॉन्ट जो वेट है इसका, फॉन्ट वेट हम लोग रख लेते हैं इसका बोल्ड, फॉन्ट का जो वेट है वो बोल्ड रख लेते हैं, ठीक है। लेबल कंट्रोल रख लें आर यू रेडी, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है दो रेडियो बटन कंट्रोल रख लेते हैं, रेडियो बटन फर्स्ट रेडियो बटन हो जाएगा यस, एंड सेकंड रेडियो बटन आप लोगों का हो जाएगा नो, ओके। सो दो रेडियो बटन आप लोगों के पास हैं, यस और नो। तो इसमें से आप लोगों का आप लोग एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप लोग इस पर ये लिख देते हैं इज चेक्ड, तो ऑलरेडी अगर इसमें आप लोग लिख देते हैं ट्रू, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आप लोगों को चेक मिलेगा, ठीक है। रेडियो बटन में ये देखिए पहले से रेडियो बटन जो है वो चेक्ड मिल रहा है आप लोगों को। तो अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो आप लोगों को एक ही एक बार में जो है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया। इसको अगर मैं रन करूँ तो आप लोग इसमें एक को ही जो है एक बार के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रेडियो बटन की खास बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम लोग ग्रुप्स में रेडियो बटन जो है वो यूज़ करें। और इसकी एक ट्राई स्टेट प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें हम लोग जो है नल भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन वो चेकबॉक्स था, ठीक है। तो या हम लोग इसमें कस्टम कंटेंट भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि ये तो आप लोगों को पता ही है कस्टम कंटेंट वाला। देखिए यहाँ पर इसमें मैं एक ही रेडियो बटन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल रेडियो बटन जो है वो मुझे चाहिए होते हैं, तो उसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाना पड़ेगा, मुझे ग्रुप नेम जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ग्रुप नेम जो प्रॉपर्टी है वो दे देता हूँ, ग्रुप नेम ए, और इसको भी मैं ग्रुप नाम जो है वो ए दे देता हूँ, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद में मैं एक और जो लेबल है वो लेता हूँ, और यहाँ पर दो रेडियो बटन मैं जो है उसके लिए भी ले लेता हूँ। और यहाँ पर यस और नो आप लोगों के पास है, आर यू रेडी है। यहाँ पर हम लोग जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। तो जेंडर में यह हम ग्रुप, इसका जो ग्रुप है वो बी दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल एंड फीमेल, ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें अगर मैं इसको रन करूँ तो ग्रुप नेम जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर काम करेगी, और आप लोग जो हैं इस चीज़ को भी चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं यस और नो में से एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, और मेल और फीमेल में से मैं एक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट जो इसमें आता है, इसका मतलब है कस्टम कंटेंट जो है इसमें हम लोग डाल सकते हैं। रैप रेडियो बटन जो है वो अपने आप में ही कंटेनर है, उसके अंदर दूसरा कंटेनर भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी धीरे धीरे करके कि कस्टम कंटेंट कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं रेडियो बटन का ही, कि एक रेडियो बटन है यहाँ पर, रेडियो बटन ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। तो इसके अंदर मैं इस रेडियो बटन के अंदर क्या ले लेता हूँ, रैप पैनल ले लेता हूँ। यहाँ पर आ गया रैप पैनल, और रैप पैनल के अंदर मैं जो है टेक्स्ट ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक या बटन ले लेता हूँ, दो बटन कंट्रोल, चलिए टेक्स्ट ब्लॉक ही ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। टेक्स्ट ब्लॉक हो गया, टेक्स्ट ब्लॉक में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट नो, और फोरग्राउंड जो है इसका, फोरग्राउंड जो है मैं इसका रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट ब्लॉक हो गया, इसमें एक टेक्स्ट ब्लॉक, ऐसे ही करके मल्टीपल टेक्स्ट ब्लॉक भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट है वो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर देखिए
ये जो नो में आ रहा है इसका जो कंटेंट है वो देखिए किस प्रकार का है। तो ये टेक्स्ट ब्लॉक आ गया, तो हम लोग पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी जो है रैप कर सकते हैं। जैसे इसको मैं फॉर्मेट करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर अदर कंट्रोल जो है वो इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई कि इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं कॉन्टेंट को। आई होप आप लोगों को ये दोनों वीडियो जो है दोनों कंट्रोल्स के समझ में आए होंगे, रैप पैनल क्या है या जो रेडियो बटन है वो कैसे सेट करते हैं हम लोगों को ग्रुप प्रॉपर्टीज़। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।